चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, आपको आने वाली सारी नोटिफिकेशन। देखिए ये है टमाटर, जो कि मैंने 4-5 टमाटर ले लिया है, और ये है लहसुन, जो मैंने छील के 10-12 कली लहसुन ले लिया है, ये 5 हरी मिर्च, और ये 2-1 प्याज है जिसको मैंने आधा आधा करके ले लिया है, और ये है थोड़ा सा बेजन, जो कि आपको ये कहीं भी मिल जाएंगे, हर कोई ये शौक से लगाते हैं, खुशबू से लगाते हैं, बहुत ही अच्छा होते हैं, इसी चीज़ में पास्ते में डालो तो बहुत ही ज़्यादा खुशबू आते हैं। अब बाकी मैंने ये 5-6 मशरूम लिया है, 5 मैंने सतावर की डंडे लिए हैं, आपको जो मर्जी सब्जी आप डाल सकते हैं, मैंने फिलहाल 2 ये सब्जी लिया है, और ये मैंने देखिए ये मैंने ऑयल लीफ लिया है, ये आपके मर्जी है आप डाल सकते हैं या नहीं, हमारे घर में तीखा पसंद करते हैं इसलिए मैंने 1 बड़े चम्मच लाल मिर्ची लिया है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे, और ये सबको हमें सौते करके पीसना है, तो चलिए ठीक इसको हम काट लेते हैं पहले, चलिए पहले हम गैस चला लेते हैं, गैस जला लिया है, देखिए अब इन सबको हम काट लेते हैं, मोटे मोटे में काट लेते हैं क्योंकि इसे हमें पीसना है। देखिए गैस गर्म हो गया है, थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा 1 चम्मच करीब तेल डाल दिया है, अब हम इसमें ये लहसुन जो है वो डाल देते हैं, और साथ में ये मिर्ची भी डाल देती हूँ। देखिए लहसुन गैस को हमने स्लो रखा है, उधर पास्ता उबल रहा है, गैस स्लो है, इसमें लहसुन हरी मिर्च डाल दिया है, अब हम काट लेते हैं प्याज। देखिए हल्की सी लहसुन और हरी मिर्च भुन गया है, अब वो टमाटर और प्याज मैंने काट लिया है, हमें पीसना है इसलिए हमने मोटे मोटे काट लिया है, तो हम अब डाल देते हैं प्याज, इसे भी थोड़ी सी भून लेते हैं, इसे भी थोड़ी सी भून लेते हैं, इसे हमें पीसना है, देखिए ये भी थोड़ा सा भून गया है, अब हम इसमें डालते हैं टमाटर, देखिए टमाटर को मैंने मोटे मोटे काट लिया था, हमें इसे पीसना है इसलिए मोटे मोटे काट लिया, देखिए टमाटर भी डाल दिया है, इसके साथ हम इसमें डाल देते हैं ये बेजन के पत्ते, ये भी इसके साथ पक गया करो, बहुत ही ज़्यादा खुशबू देता है, देखिए मैंने सबको साथ डाल दिया है, इसमें डालते हैं हम थोड़ा सा पानी क्योंकि इसे हमें पकाना है, गैस बिल्कुल तेज कर देते हैं, इसे तेज गैस पे पकाना है, बाकी इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा नमक, 1/2 चम्मच नमक, और 1/2 चम्मच लाल मिर्ची,
फिर इसे हम हिला लेते हैं। अब इसे हम ज़्यादा नहीं, 2 मिनट तक इसे हम ढक्कन डाल के पकने देते हैं। अब हम देखते हैं मेरा पास्ता उबला है या नहीं। देखिए पास्ता भी मेरा उबल गया है, थोड़ी सी और होंगे। देखिए सारे सब्जी के हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसे पीस लेते हैं। इसे पीस लेते हैं अच्छे से, बिल्कुल सॉस बना लेते हैं। देखिए हमने इसे पीस लिया है अच्छे से। अब हम गैस पे फ्राई पैन चढ़ा देते हैं। इसमें डालते हैं थोड़ा सा तेल, हम तेल में बना रहे हैं। देखिए 1 चम्मच करीब तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे, हम तेल में बना रहे हैं। आप इसे मक्खन में बना सकते हैं, मक्खन में भी बहुत, मक्खन में तो और ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब देखिए मैंने ये लहसुन, 2-3 लहसुन काट के रखा था और 2 हरी मिर्च। पहले हम इसमें इसे डालेंगे, इसे थोड़ा भून लेते हैं, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। ज़्यादा नहीं भूनना होता है। अब हम इसमें डालेंगे ये मशरूम। मशरूम डालने के बाद ये खुद पानी छोड़ देगा मशरूम। मशरूम डाल दिया, इसे भी भून लेते हैं। इसी के साथ हम डाल देते हैं ये सतावर जो कि मैंने काट के रख लिया था। देखिए डाल दिए हैं हम इसको। अब थोड़ा सा भून लेते हैं, हल्का ही भूनेंगे। अब हम इसमें डालोगे बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमने इसमें टमाटर सॉस में भी नमक डाला है, बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे। इसके बाद डालेंगे ये लाल मिर्च, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे खाते हैं। हमारे घर में ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं इसलिए हम ज़्यादा डालते हैं। लाल मिर्च डाल दिया, इसमें डालेंगे ये ऑयल लीफ। ये ऑयल लीफ में थोड़ा सा मैंने ऑयल लीफ का पानी भी लिया है। ये ऑयल लीफ में भी नमक होते हैं, इससे मैंने बहुत ही कम नमक डाला है। इसे भी डाल देते हैं, इन सब को साथ में भून लेते हैं। देखिए मशरूम है तो इसको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, गैस थोड़ा तेज रखेंगे। अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर सॉस जो कि हमने पीस लिया था। देखिए देखिए कितनी अच्छी टमाटर सॉस बनी है। देखिए इसमें आपका ये बहुत ही ज़्यादा पास्ता टेस्टी बन जाएंगे। देखिए मेरा ये तैयार हो गया है पास्ता सॉस। देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, पक गया है सब कुछ। अब हम इसमें डालेंगे पास्ता। देखिए
इसमें हम ये पास्ता डाल दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार होते हैं। देखिए देखिए मेरे पास्ता मिल गया है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं, थोड़ा सा एक मिनट पका के बंद कर देते हैं, फिर हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए पास्ता बनके रेडी हो गया है। देखिए मैंने इस बॉल में निकाल लिया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप अपने घर में ज़रूर बनाइए, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और एक बार बनाइए खाइए, ये बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं, बहुत ही हेल्दी भी होती है। इसमें मैंने सारे हेल्दी सब्जी डाला है, बहुत ही अच्छा बनता है ये। और एक बार बनाइए खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। और साथ ही साथ ही हमारे चैनल पर पहली बार है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, जो हमारे आने वाली वीडियो सारे आप तक पहुंचती रहे। हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बनने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद।